जस्टिस फॉर बई सिद्धू मूसेवाला। अज की मेरी वीडियो सिद्धू मूसेवाले नूं प्यार करने वाले वीरां लई, उन्हां दे परिवार लई और खासकर उन्हां दे फादर साहब लई। उन्हां दे फादर साहब नूं मैं रीसेंटली मिलिया भी हाँ और मैं दोबारा उन्हां दे फादर साहब नाल सिद्धू मूसेवाले बई दे इंसाफ लई जरूर मिलना चाहवांगा। मैं ना सोशल मीडिया से पिछले 7-8 दिनों तो जो तो यह बुरी खबर सुनने तो आई है कि सिद्धू बई दुनिया के विच नहीं रहा, मैं बड़ी चीज़ नोटिस कर रहा सोशल मीडिया से कि हर बंदा इस गम दे विच है कि सिद्धू मूसेवाले नूं गोलियां मार के जिहड़ा मौत दे घाट उतार दिता गया, जिहड़ा बहुत ही शर्मनाक है पंजाब दे विच रहिंदे होए। मैनू भी मेरे परिवारक मैंबरां वल्लों मेरे दोस्तां वल्लों मना किया गया वार वार कि तुसीं इस मैटर ते ना बोलो कि उन्हां नूं भी मेरी फिक्र है, पर मेरा जमीर नहीं अंदरों गवाही कर रहा सीगा कि मैं जे हर टाइम सच दी राह ते मैं चलिया या हमेशा मैं सच दे ही रस्ते ते तुरिया ते मैं इस ना इंसाफ ते क्यों ना बोला। मैं दोपहरी भी एक वीडियो पाई सी कि सिद्धू मूसेवाले बई तू झूठा सी, सिद्धू मूसेवाले बई तू झूठा सी, तू स्टेजां ते कहिंदा सीगा कि यह दुनियादारी बहुत गंदी चीज़ है, जदों लोगों कोल तुहाडी तरक्की जरी ना जावे ना तो उदों तुहाडी बदनामी शुरू हो जाती है। तो बई इत्थे तां तेरी बदनामी नहीं शुरू हुई, इत्थे तां तैनूं मार ही दिता गया। हुण इस चीज़ तो दो चीज़ें, अज मेरे एक दोस्त नाल गल हो रही सी, बई इमीग्रेशन सेंटर चलांदा, वो कहिंदा कि पिछले 2 दिनों के 650 स्टूडेंट्स ने जलंधर के अपलाई किया एक इमीग्रेशन सेंटर से कि असी बाहर जाना। मतलब सिद्धू बई की मौत तो बाद मावां नूं यह डर पै गया कि या तो साडा जवाक पंजाब छड़ जाए या साडा पंजाब च मुंडा तरक्की करन हट जाए। मतलब साडे वर्गे मुंडे जिहड़े पंजाब च अपने हक्कां लई अपने आम लोगों लई बोलते हैं, मतलब असी भी चुप रही है। मैं ये बेनती करना चाहना सरकार नूं और हर उस ईमानदार बंदे नूं सरकार दे विच काम करदे नूं कि ये इंसाफ तुसी सिद्धू वीरे दे परिवार नूं नहीं देना, ये इंसाफ तुसी कल्ले साडे वर्गे नौजवानों नूं ही देना, ये इंसाफ तुसी उस हर मां नूं देना जिहड़ी अज इस डर दे विच जिंदगी जी रही है कि उहदा पुत तरक्की करके स्टार ना बन जाए। यार सिद्धू वीर जिस स्टेज ते बैठा सी जिहड़ी दुनिया च उह बैठा सी, यार उहदा लैवल चैक कीता यार, गोरे रवाते उहने। उस बई ने हमेशा अपने पंजाब दे मुद्दियां दी गल कीती, वो बई पंजाब की राजनीति दे विच एंटर होया। देखो किहड़ी पार्टी चो लड़िया, मैं पार्टियां दे मुद्दियां ते गल नहीं करना चाहता, मैं एक राजनीति ते गल करना चाहता कि राजनीति इन्नी माड़ी ते इन्नी गंदली हो चुकी है कि जे नौजवान कोई उहदे विच आण दा सोच भी रहा तो उहनूं गोलियां नाल मार के कतल कर दिता जाएगा। मैं उन्हां दे फादर साहब नूं सिद्धू साहब दे इस वीडियो राहीं एक बेनती करना चाहता कि पूरा वर्ल्ड दुख दे विच है, हर बंदा जो दुखी है, पोस्टां ते पोस्टां सिद्धू वीरे लई पै रही, हर बंदा रो रहा इस चीज़ दे विच और इंसाफ दी मंग कर रहा। आपां नूं कल्ला इंसाफ सोशल मीडिया ते पोस्टां पाण नाल नहीं मिलना। मैं माफ़ी चाहना जे मेरी गल दा कोई गुस्सा भी कर रहा है कि अज जिहड़ा मीडिया सवेर शाम सिद्धू 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 कर रहा ना, उहदे जींदे जी सब तो वड्डा दुश्मन उहदा अद्धा मीडिया सी। ये गल मेरी कौड़ी लगेगी क्योंकि मैं भी तन ते हंडाई है, कई अखबार वाले बेतुकियां गल्लां मेरे खिलाफ़ छापदे ने जिन्हां दे विच भोरा भी सच्चाई नहीं। मैं जर रहा सिर्फ ईगो कलैशिज के चक्कर दे विच कि किसे नाल मेरे किसे एडिटर नाल किसे रिपोर्टर नाल कोई मेरा ईगो प्रॉब्लम होएगी कि हाँ भाई ये सानू चुक के नहीं मिलता अनमोल या सानू खबर नहीं दिंदा, है ना, बड़िया गल्लां ने तो मेरे खिलाफ भी न्यूज़ा लग रही ने। तो मीडिया सारा माड़ा नहीं हैगा, पर मैं उस मीडिया नूं अज सवाल पूछना चाहना, जदों जींदे जी तुसीं कोई खबर उहदे खिलाफ़ जिहड़ी सवेरे शाम चलांदे सीगे ते असीं उह बई मत्थे ते हत्थ मारदा सी, उह बई ने इक गाने च मीडिया लई जिक्र भी कीता सी, अज उही मीडिया सारा दिन उत्थे बह के उहदी मौत ते रोटियां सेक रहा। जे वाकई उहदा इंसाफ चाहुंदे हो ना, मैं उहदे परिवार अगे ते उहदे खास परिवार दे बंदियां अगे मैं परसनली भी इस इंसाफ ते उहनां दे फादर साहब नाल गल करूँगा ते जिन्ने भी सिद्धू बई दे दोस्त रहे ने मैं उहनां नाल भी गल करूँगा कि इस मुद्दे नूं ठंडा ना होण दित्ता जावे। एक कल्ला इंसाफ सिद्धू मूसेवाले नूं नहीं मिलना, ये इंसाफ और हर मुंडे नूं मिलना, वो हर कुड़ी नूं मिलना जिहड़ा खुल के पंजाब दे विच बोलना चाहुंदा, जिहनूं आपां डेमोक्रेसी कहिंदे आ। सॉरी टू से पंजाब च जो माहौल बन रहा ना, अज हर माँ अपने पुत नूं कामयाब होण तों रोक रही है कि तू कामयाब ना हो जाई किते तैनूं भी कल नूं चक लैन जां तैनूं भी किते कल नूं धमकी दे देण। परसों 8 तरीक नूं सिद्धू मूसेवाले बई दा भोग है, दुनिया भर दे विचों लोक उत्थे पहुंचणगे। मैं बार बार ये वीडियो दे राही सिद्धू मूसेवाले दे बई दे फादर नूं बेनती करना चाहना उन्हां दे चरणां दे विच हत्थ जोड़ के कि मैं अनमोल कवात्रा ते मेरी पूरी टीम वो बई दे फैन सी और उस तो भी वड्डा फैन असी बई दे विचारां नूं सी, है ना,
अज वह बई के नाम से उत्थे पिंड दे विच हॉस्पिटल खोलिया जा रहा बड़ी चंगी गल है। वह बई के नाम से स्पोर्ट्स क्लब खोलिया जा रहा बड़ी चंगी गल है। जिहड़ी उहदी तस्वीर दे अगे लोग पैसे चढ़ा रहे ने ना, मैं माफ़ी चाहना वह बंद होने चाहिए ने। वह बई एक रूह सी, वह बई शब्द नूं गुरु मंदा सी अपना, वह शब्दों के विच वह गुरु वह परमात्मा बंदे की सेवा नूं मंदा सी। उन्हें पंजाब के मुद्दे चके, जिहड़ी गल दो घंटे के वीडियो के समझाने कोई बंदा मेरे वर्गा जोर लाता ना, वह अपने चार मिनट के गाने के गल समझा जाता सी। अपने पंजाब के मुद्दे उन्हें दुनिया भर के चके, वह गलत सी सही सी, पर यार एक बंदा कोई माँ के कुखो तो नहीं समझदार जमदा। लख कमियां सी मूसेवाले च, उहदे च एटीट्यूड सी, उहदे च हंकार सी। वह कांग्रेस ज्वाइन कर गया कि वह आप दे विरुद्ध खड़ गया, छड़ दो सारियां गल्लां। यार एक नौजवान सी, वह एक 29 साल का नौजवान सी, वह भी सिख रहा सी। कोई बंदा माँ के कुखो नहीं पैदा हुंदा समझदार, हर बंदा सिखदा है, तो वह भी बंदा सिख रहा सी। पर यार वह इन्ना माड़ा नहीं सी कि उन्हों असी शमशान दे कह लो कि मौत दे घाट ही उतार। मैं बेनती करना चाहना सरकार नूं, स्टेट गौरमेंट नूं भी, सेंटर गौरमेंट नूं भी, तुहाडे भी घरे जवाक ने, असी भी पंजाब दे नौजवान हाँ, सिद्धू वीरे की मौत का सानू हक दिओ, इंसाफ दिओ कि जो इस बाई नाल होया, जिन्ना दुख मैनू अज सिद्धू बाई दे दुनिया चो गया दा, उन्ना ही दुख मैनू पंजाब दे विच ओ हर मुंडे दे गए दा, या जिहड़े आ सिद्धू बाई की मौत तो बाद भी घटनावां होईआं, जिहड़े जवान मुंडिआं दी गोलियां मार के मौतां हो रहीआं, उन्हां नूं रंगत गैंगस्टरिज़म या गैंग वॉर की रंगत ना दिओ। पता नहीं ये पिछे की मैटर है, की चल रहा, कितने कल्ले गैंगस्टरां नूं बदनाम ही ना किया जा रहा हो, असल दे विच घटना की है, ये बारे खुलासा होना चाहिए। मैं बार बार बेनती कर रहा कि जिहड़े सिद्धू मूसेवाले नूं प्यार करते हैं ना, खासकर पोलीटिकल लीडर, जिन्नी राजनीति सिद्धू मूसेवाले की मौत से हुई है ना, मैं अपनी जिंदगी जिन्नी राजनीति कभी नहीं देखी। यार उस बंदे नूं इन्नी बुरी तरह रगड़िया जा रहा, 8 दिन 7 दिन हो चुके उहदी मौत नूं, और कोई मौका कुछ राजनीतिक लीडर जिहड़ी गल कह के गया सी ना गाने च कि लीडर ने इत्थे हकदार गोली दे, वह सच कह गया सी। इन्नी बुरे तरीके नाल राजनीति की जा रही है सिद्धू मूसेवाले दे बाई दे नाम से कि लख दी लानत है तुहाडे ते, यार तुहानूं डुब के मर जाना चाहिए। उहदे नाम से फेक गूगल पे बना के पैसे मंगे जा रहे हैं, यार उहदे परिवार नूं पैसों की लोड़ है। 3 किलों तो 150 किले बना गया अपने माँ बाप लिए, अपने लिए, अपने पिंड लिए, उहनूं पैसों की लोड़ है तुहाडे। यार लोग उहदी समाध ते जाके पैसे चढ़ा रहे हैं। मैं बेनती करना चाहना, जे सच्ची जी मूसेवाले नूं प्यार करदे हो ना, तां उहदे नाम ते बूटे लाओ, उहदी याद दे विच किसे मरीज़ की मदद करो। लोगों के जवान मुंडे अज भी पैसों करके दुनिया के विचों जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोल इलाज जोगा पैसा नहीं है, उन्हां दी मदद कर दो। आ साडे कोल छोटा बच्चा बैठा है, आ देखो इहदी दिखाइयो, कदों तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का दस्या सी इहनां दा, 2019 का डॉक्टर ने ऑपरेशन दस्या होया, क्यों नहीं करा रहे ऑपरेशन? पैसों करके बंदा ऑपरेशन नहीं करा रहा, की 25-30 हज़ार का ऑपरेशन है? जे तुसीं सच्ची ची बाई नूं प्यार करदे हो ना सिद्धू मूसेवाले नूं, तां सिद्धू मूसेवाले इदां दे कम्मां दा शकीन सी, उन्हूं अपने पिंड लई लड़ना तां पिया क्योंकि वह अपने पिंड नूं चमकाना चाहुंदा सी, अपने पिंड नूं, अपने लोकां नूं, अपनी कौम नूं, अपने बंदिआं नूं अग्गे लैके जाणा चाहुंदा सीगा कि पूरी दुनिया भर दे विच मेरे पंजाब दा नाम होवे, मेरे इंडिया दा पूरी दुनिया भर दे विच नाम होवे। पर कुछ राजनीतिक लीडरां ने उन्हूं सिर्फ एक पार्टी दा ही सरोपा देता कि वह सिर्फ एक फलानी पार्टी दा। पॉलिटिक्स दे विच मैं एक पोस्ट नहीं पाई सिद्धू मूसेवाले दे हक दे विच क्योंकि मैं उन्हूं प्यार करता सी, उहदे विचारां नूं प्यार करता सी, उहदी पार्टी नूं प्यार नहीं करता सी। अज जे इन्ना तड़प रहा ना तो सिद्धू मूसेवाले लई तड़प रहा। मैं बेनती करना चाहना सिद्धू मूसेवाले दे आले दुआले जिहड़े कुछ बरसाती डड्डू आके उहदी कह लो कि नाम नूं कैश करन लगे होए ना, जींदे जी तां उहनूं नेड़े नहीं लाया है, जींदे जी तां उहनूं 4 गनमैन नहीं तुसीं दित्ते। अज 400-400 बंदा उहदे घर दे मूहरे खड़ा यार, अज उहदी समाधि ते वी बैठी है पुलिस की हाँ बई इहनूं राखी हो रही है। यार जींदे जी यार उहनूं पुछिया नहीं, यार जींदे जी तां उहदी खबर चकती कि उहदे कोल सिक्योरिटी खोली बई, वह बहुत तगड़ा फ्यूचर से अपने पंजाब की आवाज़ चक्कन। असी वीडियो राही कि आवाज़ चक लाँगे, रोज़ पिछले 7 सालों तो दुनिया दुखी है, इन्नी असी वीडियो पाई रहे हैं, किन्ना क असी सुधार ले आए हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी च मधाणी वज रही है। तो वह बंदा अपने गाणियां राही पूरी दुनिया के टॉपिक चकता सी अपने पंजाब के टिब्बिया वाला पिंड, उन्हें वो गाना कहा उन्होंने कि बॉम्बे वाले उत्थे आन लाते सी, उहदी कला सी, उहदा टैलेंट सी। अगे अगे भी वह किन्ने गाने लिखी बैठा सी पंजाब के अद्धे मुद्दे तो गाने समझा जाता सीगा कि भाई पंजाब लिए ये करो। मैनू तड़प तां है उस बंदे नाल, मैं परसनली बैठा सी, मैं उस बंदे दे विचार सुने सी, वह बंदा पंजाब लई कुछ करना चाहता सी, वह रब च बड़ा यकीन रखता सी, वह हर गल ते कहिंदा सी कि कोई नहीं कवातरे बाबा बैठा, बाबा बैठा, रब बैठा, रब बैठा, रब बैठा। इस करके मेरी उन्होंने फादर साहब नूं बेनती है, मेरी वीडियो उन्होंने तक भी जरूर पहुँचाओ कि इस गल ते चर्चा की जाए। जो भी उन्होंने फादर साहब की कॉल होएगी 8 तरीक नूं या 11 तरीक नूं, सिद्धू मूसेवाले बाई का जन्मदिन है,
8 ਨੂੰ 9 ਨੂੰ 10 ਨੂੰ 11 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਝਲਕਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਯਾਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਨਮੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਏ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਫੜਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ RIP ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਊਂਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੋ ਫਿਰ ਕਾਇਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਮਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸਹੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਪਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ 2019 ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੈ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾ ਜਾਓ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਈ ਦੇ ਫੇਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਵਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੰਕਾ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰ ਨਾ ਛਾਪੀ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ